ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगनं रघुनाथाम्बितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदा सहगनं ललिता श्रीविशाखाम्बितं च। नमा ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमा ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धांत सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वंतहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पदांभुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिनी गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौर आविर्भाव भूमिष्ठं निर्देष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरकृशे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतो पंगो मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बुजो राधा मदन मोहनो। दिव्यात्विंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमत रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवो वेष्टालिभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशीवट तटस्थित कर्षन वेणु सुनिर्गोपी गोपीनाथाय श्रेयस्तु न। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु पत्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का आज के इस सत्र में मैं स्वागत करता हूँ। तो हम श्री रूप गोस्वामी जो उपदेशामृत ये जो ग्रंथ हमें दे रहे हैं इसके ऊपर हम जो श्री भक्तिविनोद ठाकुर जो टीका लिखते हैं भक्त्यालोक ये जो ग्रंथ है इस टीका के अनुसार हम चर्चा कर रहे हैं। और इसमें हम देख रहे हैं कि जो
प्रतिकूल छह चीज है, उसमें से जो पहला है अत्याहार, इसकी चर्चा हम कुछ दिनों से यहाँ पे कर रहे हैं। तो आज हम इस अत्याहार को पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे और सारांश में हम देखेंगे कि हमें अपने जीवन में प्रैक्टिकली इसको कैसे अप्लाई करना है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि भक्तिवन ठाकुर लिखते हैं कि पांच इंद्रियों के द्वारा जो आहार किया जाता है उसको अत्याहार कहा जाता है। और अत्याहार यानी इन इंद्रियों के द्वारा हम भोग करने की इच्छा से जब हम आहार करते, तो आहार यानी भोजन। तो भोजन की पांच इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नासिका है, जीवा है, त्वचा है। तो इनके द्वारा जो भी भोजन होता है इसको आहार कहा जाता है, और ये भोजन हम अगर भोग की इच्छा से करते हैं इसको अत्याहार कहा जाता है। और हम कल चर्चा कर रहे थे कि अगर बद्ध जीवात्मा को अगर इस भौतिक जगत में अगर जीवन व्यतीत करना है तो उसको आहार तो करना है। तो भगवद गीता के अनुसार हम देख रहे थे, भक्तिवन ठाकुर लिखते हैं, हमें ना अति और कम, हम ना ज्यादा आहार ले सकते हैं ना कम आहार ले सकते। इसका उदाहरण के रूप में भगवद गीता में युक्त आहार विहार से युक्त कर्म चेष्ट युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो भक्तिवन ठाकुर भगवद गीता से कोट करते हुए कह रहे हैं कि हमें युक्त होना चाहिए। और फिर भक्तिवन ठाकुर हमें श्री रूप गोस्वामी जो भक्ति रसामृत सिंधु में जो वर्णन करते हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसकी भी चर्चा हमने की थी कि हमें युक्त वैराग्य के तत्व को अपने जीवन में स्वीकार करना है। क्योंकि जीवन जीना है तो विषयों को स्वीकार करना है, बिना विषय हम जीवन जी नहीं सकते, हम मर जाएंगे। तो हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए विषयों को स्वीकार करना है, लेकिन ऐसे विषयों को हम कैसे स्वीकार करें ताकि वह अत्याहार के रूप में न हो। तो रूप गोस्वामी इस श्लोक में कहते हैं, अनासक्तस्य विषयान यथा अर्हम उपयुंजत निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य उच्यते। तो वह कह रहे हैं कि जो भी विषय को हम स्वीकार कर रहे उस विषय के प्रति बिल्कुल हमारी आसक्ति नहीं चाहिए। जो भी विषय को हम स्वीकार कर रहे उस विषय को जब हम स्वीकार कर रहे तो मेरी भक्ति में प्रगति हो रही है, और उस विषय को पूर्ण रूप से मैं भगवान की सेवा में उसका उपयोग कर रहा। तो अगर ये तीन तत्वों से हम विषयों को स्वीकार कर रहे हैं तो उसको युक्त वैराग्य कहा गया, क्योंकि हमें विषयों के बिना हम रह नहीं सकते, इसलिए युक्त वैराग्य के तत्व को हमें पालन करना है। दूसरा एक व्यक्ति है, अगर वो मतलब फल्गु वैराग्य के बारे में, फल्गु वैराग्य मतलब क्या है कि हर एक चीज को अगर हम अगर सोचेंगे कि हर एक चीज हरि के संबंध में है, लेकिन उसको अगर हम त्याग देंगे और उनको हरि के सेवा में नहीं लगाएंगे तो उसको फल्गु वैराग्य कहा जाता है। जो हमने कल उदाहरण देखा था कि प्रभुपाद जी कह रहे थे कि मेरा फोटो निकालिए, मैं धन को एकत्रित कर रहा हूं और मेरा फोटो निकालिए, क्योंकि ये धन भगवान का है, इसको एकत्रित करते हुए भगवान की सेवा में लगाऊंगा, तो इसको एक्चुअली युक्त वैराग्य कहा जाता है। लेकिन जो साधु बोल रहे हैं मुझे धन नहीं चाहिए धन नहीं चाहिए, उसको फल्गु वैराग्य कहा जाता है, क्योंकि धन भगवान की सेवा में हम यूज कर सकते थे। इस प्रकार युक्त वैराग्य के तत्व को हमें स्वीकार करना है। तो फिर हम आगे चर्चा करेंगे। तो भक्तिवन ठाकुर लिखते हैं, द परपट इज दैट इफ वन एक्सेप्ट सेंस ऑब्जेक्ट इन द स्पिरिट ऑफ एंजॉयमेंट दैट इज अत्याहार। तो अत्याहार क्या है, इन सभी इंद्रिय विषयों को हम भोग की इच्छा से अगर स्वीकार करते हैं तो उसको अत्याहार कहा जाता है। इसके बिल्कुल विपरीत उल्टा, इफ सेंस ऑब्जेक्ट आर एक्सेप्टेड एज द लॉर्ड्स मर्सी, भगवान की कृपावश जो भी कुछ विषयों को हमें स्वीकार करना है उनको हमें सोचना चाहिए कि हम भगवान की ये कृपा है और उसको उतना ही लेना है जितनी हमारी आवश्यकता है। तो अति यानी क्या है, अति यानी आवश्यकता से ज्यादा या आवश्यकता से कम, ये दोनों अति है। हमें युक्त रहना है कि जितना मुझे चाहिए भगवान ने कृपावश मुझे दिया है और मैं उसको स्वीकार करना, क्योंकि मेरी नीड है, मेरी जरूरत है,
ये मेरी आवश्यकता है, और जो कुछ भी मैं स्वीकार कर रहा हूं वो मेरी भक्ति के लिए अनुकूल है। अगर ये तीन चीजें हैं, भगवान के कृपा के, मैं सोच रहा हूं कि ये भगवान की कृपा है और आवश्यकता है इसलिए ले रहा हूं, और भक्ति के लिए अनुकूल है, तो फिर ये अत्याहार नहीं है। इफ सेंस ऑब्जेक्ट्स आर ऑनेस्टली एक्सेप्टेड एज द लॉर्ड्स मर्सी देन युक्त वैराग्य इज इजीली अटेन्ड। तो भक्तिम ठाकुर कहते हैं कि फिर ये युक्त वैराग्य आएगा जब हम प्रामाणिकता से भगवान की कृपा समझ के उसको स्वीकार कर रहे हैं, आवश्यकता के अनुसार स्वीकार कर रहे हैं और भक्ति के लिए अनुकूल है इसलिए हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। और महाप्रभु भी कहते हैं कि इंद्रिय जो विषय है, इंद्रिय विषय को हम कैसे स्वीकार करना है विदाउट अटैचमेंट, अनासक्त के रूप में, और हमें कृष्ण का नाम लेना, इसको युक्त वैराग्य महाप्रभु कह रहे हैं। तो आगे भक्तिम ठाकुर लिखते हैं, डोंट एंडेवर फॉर पैलेटेबल फूडस्टफ एंड फाइन क्लोथ्स, भले न खाई वो आर भले न पारी वो। श्री चैतन्य महापुरुष रघुनाथ दास गोस्वामी को जो वैराग्य के बारे में बता रहे हैं, तो कहेंगे कि अरे तो रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए, हमारे लिए थोड़ी है। नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे प्रयोजन के आचार्य हैं, और उनको जो उपदेश दिए है वो उपदेश उनको माध्यम में रखते हुए हमें दिए गए, इसलिए यहाँ पे बताया गया कि हमारे जीवा के लिए अच्छा लग रहा है। इसकी मैं चर्चा सारांश में बहुत अच्छी तरह से करने वाला हूँ, यहाँ से हम धीरे धीरे जाएंगे आगे। तो हमें अच्छा चाहिए, पैलेटेबल फूडस्टफ, खाने के लिए अच्छा लग रहा है इसलिए खाना, या अच्छे कपड़े पहनने हैं। डिवोटी को अगर वो ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी समझो सैप्रॉन में है तो उसको सैप्रॉन ही पहनना चाहिए, तो सैप्रॉन ही पहनेगा। लेकिन जो बाकी के जो डिवोटी होते हैं, चाहे कोई गृहस्थ हो या चाहे कोई भी वो जो सैप्रॉन में अगर वो नहीं है, ऐसा कोई भी डिवोटी है, उसको अलग अलग प्रकार के बिल्कुल कपड़े पहनने नहीं चाहिए। कभी बोलते ना तो हरा कलर का, लाल कलर का, ऐसा नहीं। वैष्णव मीन्स सिंपल, अगर वो उसका धोती कुर्ता कैसे होना चाहिए, ओनली सफेद होना चाहिए। इसके अलावा वैरायटी आ रहा है वो रजोगुण, हमें अच्छा लग रहा है, हमें भगवान को क्या अच्छा लगता है, भगवान को सात्विकता अच्छी लगती है। इसलिए कपड़े में भी हमें अगर कोई माता है तो वो साड़ी में होनी चाहिए, या जो भी उनका जो सात्विक जो पोशाक है उसको स्वीकार करना है। अगर प्रभु जी होंगे तो वो व्हाइट धोती कुर्ते में होना चाहिए, कलरफुल, रजो रागात्मकम, भगवद्गीता में 14वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि रजोगुण यानी रागात्मक यानी कलरफुल। अगर हमारा पोशाक कलरफुल है, वैरायटी है, हमारा भोजन एकदम वैरायटी है, उसमें ज्यादा स्पाइसी है, ज्यादा खारा है, ज्यादा मीठा है, ये वैरायटी का जब हम स्वीकार करते हैं ना, तो ये हमें रजोगुण या भोग की इच्छा को प्रवृत्त करता है, और इसमें हमारा युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल टूटता है। इसलिए भक्ति ठाकुर यहाँ पे लिखते हैं कि डू नॉट एंडेवर फॉर पैलेटेबल फूडस्टफ एंड फाइन क्लोथ, एक्सेप्ट द सैंक्टिफाइड भगवत प्रसाद दैट इज इजीली ऑब्टेनेबल। तो किसको हम स्वीकार करेंगे, जो सहज रूप से मेरे जीवन में आ रहा है। इसलिए बोले ना सिंपल लिविंग हाई थिंग, सिंपल लिविंग यानी जो मुझे सहजता से मुझे मिल रहा है उसको भगवान की कृपा समझ के स्वीकार करना है, और विशेष करके हमें भगवत प्रसाद को ही स्वीकार करना है। ये प्रिंसिपल होना चाहिए, इसके लिए हम बहुत ही दृढ़ होने चाहिए कि बिना ऑफरिंग का मैं कोई चीज को स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए कपड़ा हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो मेरे पास, वो भगवान का प्रसाद होना चाहिए। खाना तो है ही है, प्रसाद तो है ही है, लेकिन कोई भी चीज मेरे जीवन में अगर रहेगी तो उसको बिना ऑफर करके मुझे स्वीकार नहीं करना। इसलिए हमें भगवत प्रसाद को स्वीकार करना। इसलिए उद्धव जी 11वें स्कंद में भगवान को बता रहे कि हे भगवान, आपको अर्पण किया हुआ कोई भी चीज जिसको निर्माल्य कहा जाता है, ऐसे निर्माल्य को अगर मैं स्वीकार करूंगा तो माया मुझे स्पर्श नहीं करेगी। देखो कितना सुंदर है। तो उद्धव जी कहते हैं कि
उस निर्माल्य को, मेरे पास जो भी कुछ होगा वो निर्माल्य के रूप में होना चाहिए। डायरेक्टली मैं उसको स्वीकार करूंगा तो माया के वश में रहूंगा, लेकिन अगर भगवान को अर्पण किया हुआ कोई भी चीज अगर मैं स्वीकार करूंगा तो माया का स्पर्श मुझे नहीं होगा। तो ये उद्धव जी 11वें स्कंद में वो कह रहे हैं। इसलिए भक्त का जो जीवन शैली क्या है, भक्त का जीवन शैली है कि उसको जो भी आवश्यक है वो चीज भगवान को अर्पण करते हुए भगवान की कृपा समझ के उसको स्वीकार करना चाहिए। तो ये है भक्त की जीवन शैली। टेकिंग मोर और लेस विल नॉट यील्ड ऑस्पिशियस रिजल्ट। इसलिए हमने देखा था कि अति यानी बिल्कुल कम और बिल्कुल ज्यादा, ये कोई हमारे लिए अच्छा जीवन शैली नहीं है। हमारा जीवन शैली युक्त होना चाहिए कि मेरी जरूरत क्या है बस। आगे वो बोल रहे हैं कि इफ द प्रैक्टिशनर टेक्स और एक्युमुलेट्स मोर देन नेसेसरी हिज स्पिरिचुअल लाइफ विल बी लॉस्ट ड्यू टू हिज बीइंग कंट्रोल्ड बाय मटेरियल मेलोस। तो अभी आहार के इसमें जो कलेक्टिंग है, मोर कलेक्टिंग, अगर हम एकत्रित चीज उसको करके धन या चीजों को ज्यादा इकट्ठा करने की अगर हमारी आदत है तो वो भी हमारी भक्ति में बाधा है। तो इसलिए इफ ही डज नॉट प्रॉपरली एक्यूमुलेट, तो कोई बोलेगा कि मैं ज्यादा नहीं करना है, तो समझो धन है तो धन को जितना चाहिए उतना तो उसको कमाना ही पड़ेगा। अगर वो कम कमाएगा तो शरीर की जरूरतों को पूरा नहीं करेगा। अगर समझो वो गृहस्थ है तो फैमिली को मेंटेन नहीं करेगा, तो फैमिली अच्छी तरह से मेंटेन नहीं होगी तो वो फैमिली की तरफ से उसको कुछ ना कुछ कुछ समस्या को सामना करना पड़ेगा, वो भक्ति नहीं कर सकता। तो इसलिए उसको प्रॉपरली एक्युमुलेट करना चाहिए, जितनी आवश्यक है उतना उसको धन हो या चीजें हो जो भी कुछ है वो उसको स्वीकार करना है। अगर नहीं करेगा तो उसके शरीर का, उसके परिवार का वो पालन पोषण नहीं कर सकता, और अगर उसका शरीर को अच्छी तरह से मेंटेन नहीं किया उसने तो वो भगवान की सेवा नहीं कर सकता। इसलिए तपस्या के नाम के ऊपर अगर हम शरीर के ऊपर अगर दुर्लक्ष करेंगे तो हम ज्यादा दिन तपस्या नहीं कर सकते। इसलिए तप ऐसा होना चाहिए जो हमारी भगवान की सेवा करने में वो शक्ति दे। भगवान की सेवा करने का सेवा करने में शक्ति इंद्रियों में आए उतना तप हमें करना चाहिए। अगर तपस्या से भगवान की सेवा नहीं हो रही है तो फिर वो तप कोई काम करने, क्योंकि अल्टीमेटली हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। इसलिए प्रॉपरली एक्युमुलेट करना चाहिए, जो भी धन हो जो भी कुछ भी चीज है उसको हम इतना हमें स्वीकार करना है जिससे हम खुद का शरीर और हमारे परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण कर सकते। तो फिर यहाँ पे आगे भक्तिम ठाकुर लिखते हैं कि इसलिए ये जो जीवा का जो यहाँ पे आहार के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं, और विशेष करके जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो इस जीवा के आवेग के कारण बहुत ही मतलब वो विचलित रहते हैं, क्योंकि हमेशा उनको क्या लगता है कि उनको आनंद लेना है, अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है। तो वो क्या करते हैं, वो इस आवेग के कारण वो विचलित होते हैं। और ऐसे भौतिकवादी अगर भक्त रहेगा कि जो इन इंद्रियों के आवेगों को नियंत्रित नहीं कर रहा, विशेष करके भोजन जो आहार, जो पांच इंद्रियों का आहार के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, इससे अगर वो व्यक्ति बहुत ही विचलित है तो वो व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए आहार के ऊपर ज्यादा यहाँ पे फोकस दिया जा रहा है, क्योंकि ये हमारी भौतिक जरूरत है और इसको हमें अच्छी तरह से इस जरूरतों को पूरा करना है, ना कम ना ज्यादा। जैसे कहा जाता है ना, कम ना ज्यादा, यह मजबूती का वादा। तो जितना हो सके हमें लिमिटेड, उसको युक्त वैराग्य कहा गया। तो हर एक साधक को यहाँ पे युक्त वैराग्य के तत्व को स्वीकार करना है। अगर इसको अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर हम निश्चित रूप से हमारा भक्ति का विनाश हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो पहला श्लोक है जहां पे आवेगों के बारे में बताया गया है, यह है कंडीशनल अर्जेस।
और जो दूसरा और तीसरा श्लोक है इसको कहा है कॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब क्या है, एक है परिणाम एक है कॉज। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या, डे टू डे अर्जेस, मतलब मिनट बाय मिनट चॉइस रहता है हमें। तो वो दूसरा और तीसरा श्लोक है, मिनट बाय मिनट चॉइस है। लेकिन जो पहला श्लोक है वो मिनट बाय मिनट चॉइस नहीं, इसलिए उसे कंडीशनल कहा है। इसलिए अगर हम ट्रेनिंग अच्छी तरह से लेंगे, यानी हमारा इनर कॉन्स्टिट्यूशन अगर अच्छा है, प्रशिक्षण अच्छा है, साधना में जो भी युक्त वैराग्य के प्रिंसिपल को हम अच्छी तरह से अगर पालन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो छह आवेग है इनको अपने आप नियंत्रण में आना है। इसलिए हम देख रहे हैं अगर हम आहार के ऊपर जो पांच इंद्रियों के द्वारा, विशेष करके जीवा के द्वारा जो आहार हम स्वीकार करते, इसके ऊपर अगर हम नियंत्रण करेंगे तो निश्चित रूप से जीवा, उदर और उपस्थ, ये तीन जो इंद्रिया है इनके जो आवेग है अपने आप नियंत्रण में आएंगे। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर विशेष करके इस आहार के ऊपर ज्यादा जोर यहाँ पे दे रहे हैं। तो समझ रहे कॉन्स्टिट्यूशन यानी मिनट बाय मिनट हमें चॉइस रहता है, तो इसके लिए प्रशिक्षण जरूरी है। और इसके लिए भक्तिनाथ ठाकुर हमें युक्त वैराग्य प्रिंसिपल दे रहे हैं कि विषयों को स्वीकार करना है लेकिन युक्त के रूप में। ओके, हाँ, फिर आगे बोल रहे हैं कि जो कुछ भी यहाँ पे एप्लीकेशन दे रहे हैं उसके दो विभाग होते हैं, एक है गृहस्थ के लिए और एक है वैरागी के लिए। वैरागी यानी जिसने पूर्ण रूप से मतलब संन्यास धर्म का पालन लिया है, ऐसे साधक के लिए, और जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं ऐसे साधक के लिए ये एप्लीकेशन अलग अलग होते हैं। ये दो विभाग होते हैं। तो पहला है जो गृहस्थ है, तो उनके लिए उनके परिवार को पालन पोषण करना है, टू मेंटेन देयर फैमिली मेंबर्स। तो उनको क्या दिया है, कलेक्टिंग के बारे में बता रहे हैं अभी भक्तिम ठाकुर। दे शुड अर्न देयर लाइवलीहुड एंड सेव अकॉर्डिंग टू रिलीजियस प्रिंसिपल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको सुनिए। तो जो भी गृहस्थ है उनको अपने परिवार का पालन पोषण करना है, अपने शरीर का भी पालन पोषण करना है, तो उनके लिए उनको कमाना है और उनको सेविंग भी करना है। लेकिन कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू रिलीजियस प्रिंसिपल। तो कोई गृहस्थ अगर ज्यादा धन कमा रहा है अनधिकृत तरीके से, तो वो भी भक्ति का विनाश होने वाला है। और अगर वो धन कमा रहा है लेकिन आवश्यकता से ज्यादा उसको सेविंग कर रहा है, वो भी भक्ति में बाधा होगा। क्योंकि सेविंग अगर ज्यादा होगा तो उसका ही ध्यान जाता है, मेरे पास इतना है इतना है, इतना है, उसको मेंटेन करना है, ये करना है वो करना है, ठीक है। तो उनको कमाना भी है अधिकृत रूप से और उनको सेविंग भी करना है, बचा के रखना है, वो भी अधिकृत अधिकृतता से। तो इसलिए जो कुछ भी वो सेविंग में रख रहे हैं उससे उनको क्या करना है, तो आगे लिख रहे हैं कि उनको सेवा करना है। किसकी सेवा करनी है, धन से भगवान की सेवा करनी है, भक्तों की सेवा करनी है, अतिथि की सेवा करनी है, अपने जो भी परिवार है उनकी सेवा करनी चाहिए और खुद की सेवा करनी चाहिए। तो जो कुछ भी हम धन कमाते हैं उनको इनकी सेवा में लगाना चाहिए, परिवार की सेवा, भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, अतिथि सेवा और खुद की सेवा, खुद के शरीर को मेंटेन करना। इफ अ हाउस होल्डर कलेक्ट मोर देन हिज रिक्वायरमेंट, अगर अपनी आवश्यकता से ज्यादा वो कमा रहा है, देन दिस इज एन इम्पेडिमेंट इन हिज डिवोशनल सर्विस एंड इन हिज अचीविंग द लॉर्ड्स मर्सी, तो भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं करेगा। अगर वो गृहस्थ है और उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी आवश्यकता यह है कि उसको परिवार को पालन करना है, उनको भगवान की सेवा करनी है, भक्तों की सेवा करनी है, अतिथि की सेवा करनी है और खुद के शरीर की सेवा करनी है, इसके लिए जितना आवश्यक है परिवार के पालन पोषण के लिए उसको भविष्य निधि भी होनी चाहिए, उनका बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके एक लिमिट है, उसको युक्त होना चाहिए। अगर वो युक्त प्रिंसिपल को तोड़ रहे हैं तो भक्तिनाथ ठाकुर यहाँ पे कहते हैं कि वो भक्ति में बाधा है, वो भगवान की कृपा को स्वीकार नहीं करेंगे। तो यह है गृहस्थ के लिए। तो सो सेविंग टू मच एंड अर्निंग टू मच आर बोथ अत्याहार, देयर इज नो डाउट। तो ज्यादा कमा रहा है, बहुत ज्यादा आवश्यकता से ज्यादा कमा रहा है, क्योंकि आगे हम देखेंगे अगर ज्यादा
वो कमाई कर रहा है तो उसको प्रयास ज्यादा देना पड़ेगा, प्रयास ज्यादा मतलब समय ज्यादा देना पड़ेगा, और समय ज्यादा देगा तो भक्ति में समय नहीं मिलेगा। इसलिए ज्यादा कमाना नहीं है और ज्यादा सेविंग भी नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा कमाते तो ज्यादा सेविंग कर, बोले नहीं मुझे लगेगा, इसमें समय बर्बाद होगा। इसलिए भविष्य निधि होनी चाहिए, हमारा अकाउंट होना चाहिए, लेकिन वो भी एक उसका एक लिमिट होना चाहिए। लिमिट को तोड़ के अगर जाएंगे तो अत्याहार के लिए हम विक्टिम उसके हम बन जाएंगे, ठीक है। तो अत्याहार बोल रहे कि सेविंग टू मच एंड अर्निंग टू मच, ये अत्याहार है। ये होगा गृहस्थ के लिए। अभी जो भी वैरागी लोग हैं, सन्यासी है, उनके लिए क्या है, वो बोल रहे कलेक्ट, मतलब जो भी भिक्षा वो करते। अभी ये भक्ति में ठाकुर उस समय पे लिख रहे हैं क्योंकि वहां जब सन्यासी लोग वैरागी लोग भिक्षा के रूप में निर्वाह करते थे। अभी क्या है, अभी उनको अगर वो मंदिर में रहते हैं, ये करते हैं, समझो कोई ब्रह्मचारी है वो मंदिर में रहते हैं, तो उनको जितना भी मिलता है उसमें उसको संतुष्ट रहना है। अगर वो जितना भी उसको मिल रहा है उसमें वो संतुष्ट नहीं है तो वो अत्याहार के लिए उसका वो शिकार हो सकता है। तो रिनाउंसियत के लिए क्या है, जितना भी उनको मिल रहा है उसमें उनको संतुष्ट रहना। और समझो ऐसा अगर वो कह कर रहा है कि उसको उसको अच्छा मिल रहा है इसलिए उसने ज्यादा खाया, और अच्छा नहीं है इसलिए उसने कम खाया, तो ये भी अत्याहार का शिकार है, क्योंकि वो जीवा के रस के आवेग में वो क्या है, उसको अच्छा पैलेटेबल मिल रहा है इसलिए वो ज्यादा खा रहा है, अरे आज अच्छा है खाओ ज्यादा, आज अच्छा नहीं थोड़ा खाओ, तो इसको अत्याहार कहा है। तो ये जो मनोभाव है इसको देखिए, इसको समझ के लीजिए, क्योंकि आहार मतलब ऐसा नहीं कि ज्यादा खा रहा है, आहार मतलब उसका मनोभाव है कि भोग की मेंटेलिटी, अच्छा नहीं है मुझे आनंद नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं खा रहा, और अच्छा मिल रहा है इसलिए बहुत खा रहा है, इसको अत्याहार का है। तो ये है वैराग्य के लिए। तो हमें यहाँ पे बोल रहे कि इसलिए ये दो प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि एक हाउस होल्डर जो गृहस्थ है उसके लिए अत्याहार क्या है, और जो कोई वैरागी है जो सन्यासी है उसके लिए अत्याहार क्या है। अगर इन्होंने अत्याहार का अगर शिकार हो जाएंगे तो निश्चित रूप से वो भगवान की भक्ति को नहीं कर सकते और वो भगवान की कृपा को स्वीकार नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे अत्याहार का ये जो अध्याय है, जो टीका है, यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर दे रहे हैं। तो मैं अभी आपको जो भी हमने इन तीन चार दिनों में जो कुछ भी देखा इसका मैं आपको सारांश रूप में बताऊंगा। इसको अगर ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो फिर एक मिनट ओके। ओके हाँ, तो अभी सारांश के रूप में इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो भी हम इन तीन चार दिनों से जो भी कुछ देख रहे हैं इसका मैं सारांश आपको बता रहा हूं। अभी प्रैक्टिकली जो भी कुछ हमने सुना है अभी अपने जीवन में उसको कैसे उतारना है इसकी चर्चा हम करेंगे। तो भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पे अत्याहार की व्याख्या क्या लिख रहे हैं, पांच इंद्रियों द्वारा भोजन। तो हमारी कौन कौन सी पांच इंद्रियां हैं, विशेष करके भोजन यानी आहार। हम आंखों से जो कुछ भी देख रहे हैं वो आंखों का आहार है, हम कानों से जो कुछ भी सुन रहे हैं वो कानों का आहार है, नासिका से जो भी हम सुगंध ले रहे हैं वो नासिका का आहार है, हमारे जीवा से जो भी हम कुछ टेस्ट कर रहे हैं जो भी कुछ खा रहे हैं वो जीवा का आहार है, और हमारे स्पर्श इंद्रियों से हम जो भी स्पर्श करते हैं वो त्वचा का आहार है। तो इन पांच इंद्रियों द्वारा जो भी कुछ भोजन या आहार हम लेते हैं अगर वो अति हो रहा है, और विशेष करके
भक्तिवेन ठाकुर क्या लिखते हैं, अत्याहार कैसे, अगर भोग की कामना है तो। ओके, तो अभी पहला प्रिंसिपल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर हमें जीवन जीना है तो हमें आहार के बिना हम जीवन नहीं जी सकते। ऐसा नहीं कि हम आंखें बंद करके, कान बंद करके, जीवा को कुछ न देते हुए, नासिका को बंद करके हम जीवन नहीं जी सकते, हमें जीवन जीना है। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि जैसे हम कार्य करते हैं, क्योंकि बिना कार्य के हम जी नहीं सकते, हमें कार्य करना है, तो कार्य करते समय कौन से विषयों के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है। कोई भी कार्य करना है तो हमारे पास कुछ छह मैंने मुद्दों चर्चा पॉइंट मैंने निकाले हैं, तो इनको ध्यान से सुनिए। तो पहला जो है, इसको कहा गया है कि कोई भी कार्य अगर मैं कर रहा हूं, कोई भी कार्य, चाहे वो भक्ति वाला हो, चाहे वो भक्ति से अलग मतलब कौन सा, ऑफिस में जा रहा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं, घर काम कर रहा हूं, या खेती कर रहा हूं, या कोई भी कार्य है, ये कोई भी कार्य करते समय मेरे अंदर कोई भोग भावना नहीं होनी चाहिए, भोग भावना रहित होना चाहिए। तो कौन सी भावना होनी चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं अगर उदाहरण दूंगा ना तो आपको समझ में आएगा। तो इसको आपको हर एक कार्य में देखना है, कोई भी कार्य करते समय मेरे हृदय में भोग की भावना है क्या। अगर वो भोग की भावना है तो समझने का वो जो कार्य है वो अत्याहार है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, समझो मैं मेरे आंखों से मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूं, तो आप बोलेंगे कि आंखों से मैं अगर भगवान का दर्शन कर रहा हूं तो ये अत्याहार कैसे हो सकते। तो अच्छा है कि आंखों का जो अस्तित्व है वो भगवान के दर्शन के लिए तो है नहीं, अभी हम देखेंगे। अगर मैं भगवान के सुंदर रूप को अगर देख रहा हूं और मैं सोच रहा हूं कि अरे आज तो भगवान ने ऐसे क्या है, वो पुजारी ने अच्छा ड्रेसिंग नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, आज उन्होंने जो पगड़ी ऐसी बांधी ना मुझे अच्छी नहीं लगी, उन्होंने जो कुछ भी हार डाला ना मुझे अच्छा नहीं लगा, ये क्या कर रहे हैं हम लोग। भगवान इतने सुंदर है और पुजारी की इच्छा से नहीं चलता है, भगवान अपनी इच्छा से श्रृंगार करवा के लेते हैं। तो पुजारी के मन से अगर कुछ में, मतलब पुजारी अगर कुछ कर रहा है, वैसा कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो अपनी कला के अनुसार भगवान का श्रृंगार कर रहा है, तो उसका मनोभाव हो सकता है वैसा। लेकिन मुझे आज का श्रृंगार अच्छा नहीं लगा, इसमें क्या है, इसमें भगवान गए बाजू में, इसमें कौन आ गए, हमारी आई कॉन्शियसनेस आ गई, और मैं मेरी मनोभाव से या मेरी इच्छा से मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूं, मुझे भगवान अच्छे लग रहे या मुझे भगवान अच्छे नहीं लग रहे, ये क्या है, इसको कहते मैं मेरे आनंद के लिए देख रहा हूं, इसको कहा गया है अत्याहार। मतलब क्या है, आहार मेरी आनंद के लिए, मैं भगवान को मेरे आंखों से देख रहा हूं, इसके लिए नहीं देखना है। तो कैसे देखना है, इसका युक्त प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि हमारे आंखें अगर भगवान का दर्शन नहीं करेंगी तो आंखों को रख के क्या फायदा है, हमें तो भगवान का दर्शन करना ही है, तो कैसे दर्शन कर सकते हैं, तो हमें भगवान को देखना है तो बिल्कुल अपनी आंखों को ऐसे बड़ा करके भगवान को देखना है, और मनोभाव क्या होना चाहिए, हे भगवान आपने कृपावश, आपको देखने की मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी कृपावश आप अर्चा विग्रह के रूप में मेरे सामने प्रकट हुए हैं, और मेरी आंखों की पूर्णता यह है कि मैं आपको देख रहा हूं, आपका कितना सुंदर रूप है, आप कितने सुंदर दिख रहे हैं, ये जो है ये है आंखों की पूर्णता। इस प्रकार आंखों से आहार लेना चाहिए, समझ रहे, मैंने एक उदाहरण दिया। ऐसे डे टू डे लाइफ में हमें आंखों से हर एक चीज को देखना है, भक्तों को देखना है, भगवान को देखना है, हर एक चीज को देखना है, पूरे मतलब हम आंखें बंद करके तो हम जीवन नहीं जी सकते, तो हमारा मनोभाव भोग का नहीं होना चाहिए। अगर मनोभाव भोग का, जैसे प्रसाद को अगर मैं ले रहा हूं तो मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे हाँ आज है ना चटपटा प्रसाद है, वाह मजा आएगा, ये भोग भावना है। नहीं, आज भगवान ने कृपावश मुझे उनकी कृपा को मेरे सामने दिया है, तो प्रसाद मतलब क्या है, प्रभु का साक्षात दर्शन है वो, हाँ, प्रसाद।
तो प्रभु ने साक्षात कृपावश कृष्ण बड़ो दयामय, भगवान ने उनकी दया के रूप में मुझे ये प्रसाद दिया है, उन्होंने स्वीकार किया है और उसमें शक्ति कृपा को डालते हुए ये प्रसाद मुझे दिया है ताकि मेरा जीवन शुद्ध हो जाए, मेरा हृदय शुद्ध हो जाए, मेरा शरीर शुद्ध हो जाए। इसके लिए भगवान ने कृपावश मुझे इतना सुंदर और टेस्टी बोल सकते हैं, इतना सुंदर और स्वादिष्ट प्रसाद मुझे दिया है। इस मनोभाव से हम इस प्रसाद को स्वीकार कर सकते, ना कि मजा चाहिए। तो देखो, हमें ऐसा नहीं कि विषयों को स्वीकार नहीं करना है, विषयों को स्वीकार करना है, लेकिन मनोभाव को चेक कर। तो मनोभाव में भोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर मनोभाव में भोग है और हम थोड़ा भी ले रहे हैं तो ये अत्याहार ही है। तो पहला प्रिंसिपल है भोजन करते समय, भोजन यानी पांच इंद्रियों का भोजन करते समय कोई भी भोग भावना नहीं होनी चाहिए, सेवा भावना होनी चाहिए। जो कुछ भी मैं कर रहा हूं भगवान की सेवा हेतु कर रहा हूं, मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूं। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर कहते हैं कि भगवान का दर्शन करने से अच्छा है कि हमें भगवान के सामने खड़े हैं ताकि भगवान हमें देखे, इसलिए हम अच्छी तरह से कपड़ों को पहनते हुए, तिलक लगाते हुए, स्नान करते हुए हम भगवान के सामने खड़े रहते ताकि भगवान हमें देखे। तो इस प्रकार वो मनोभाव है। तो भोग भावना रहित होना चाहिए, पहला है। दूसरा है, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो ये मेरी इच्छा नहीं होनी चाहिए, ये मेरी जरूरत होनी चाहिए, ये ध्यान में रखिए। कोई भी कार्य वो मेरी जरूरत है इसलिए मैं कर रहा हूं, मेरी आवश्यकता है। अगर आवश्यकता से ज्यादा 1% भी करते हैं तो उसको इच्छा कहा जाता है और वो इंद्रिय तृप्ति में आती है। इसलिए प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति यानी क्या है, इंद्रिय तृप्ति यानी आवश्यकता से ज्यादा स्वीकार करना, इसको इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। जो आवश्यकता है वो मेरी नीड है, वो मेरी जरूरत है, उसको मैं स्वीकार कर। तो कोई भी कार्य करते समय हमें ये सोचना है कि ये मेरी जरूरत है, क्या इसकी मुझे आवश्यकता है। अगर मुझे इसकी आवश्यकता है तभी मैं इन इंद्रियों से मैं उसका आहार स्वीकार करूंगा, मैं इस भोजन को स्वीकार कर रहा हूं। अगर वो मेरी जरूरत नहीं है तो मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि अगर स्वीकार करूंगा तो अत्याहार का मैं शिकार बन सकता हूं। तो दूसरा पॉइंट यहां पे है कि वह कार्य मेरी जरूरत है। पहले हमने देखा भोग भावना रहित वह कार्य होना चाहिए, दूसरा है वह कार्य मेरी जरूरत होनी चाहिए। तीसरा है, अगर मैं कोई कार्य कर रहा हूं वो मेरी जरूरत भी है लेकिन अगर वो भक्ति के प्रतिकूल है तो मुझे उस जरूरत को चेंज करना पड़ेगा। समझो, मुझे बाहर जाना है, ओके, भगवान के फूल लाने के लिए मुझे बाहर जाना है। जैसे अजामिल को देख सकते हैं, अजामिल वो फूल बगीचे में गए थे, जंगल में गए थे फूल को लाने, किसके लिए, खुद के लिए नहीं थे, वो उनकी जरूरत थी, उनके पिताजी ने उनको सेवा दी थी कि जाके भगवान के लिए फूल लेके आओ। अभी वो फूल लाने के लिए गए लेकिन उन्होंने गलती क्या की, उनकी गलती ये थी कि उन्होंने वो जो ऐसा प्रसंग उन्होंने देखा, चित्र उन्होंने देखा जो भक्ति के लिए प्रतिकूल था। तो कार्य करते समय हमारी जरूरत थी, वो आज्ञा थी, हम करने के लिए गए, लेकिन वो जरूरत पूर्ण करते समय हमें ध्यान में लेना है कि दूसरा ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है। तो देखो, अजामिल भगवान के लिए फूल लाने गए थे लेकिन फंस गए ना। क्यों फंस गए? क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों को ऐसे दृश्य देखा आंखों से जो भक्ति के लिए प्रतिकूल था। इसलिए अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, ये ध्यान में रखना है। ये शरणागति का पहला तत्व है जिसको हमें रिजिडली फॉलो करना है, तभी हम आगे के तत्वों में प्रवेश करेंगे, अन्यथा नहीं। इसलिए कोई भी कार्य करते समय भले वो जरूरती है, तो जरूरत कार्य करते समय हमारी सभी इंद्रियां खुली रहती है, तभी इंद्रियों से, जैसे हम बाहर में जा रहे हैं भगवान के लिए मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं, कुछ मार्केट करना है करना है, तो हमारे आंखों को अगर ये पिक्चर देखो वो पिक्चर देखो तो क्या होगा, आंखों से पिक्चर को हम हमें हृदय में डाउनलोड कर देते, और उसका बाद में क्या होता है, बाद में
वो विचार इच्छाओं में परिवर्तित होते हैं, हम क्या करते हैं, हमारी मतलब एक नीड बन जाती है वो, अरे मुझे वो करना है, ये करना है, वो करना है, समझ रहे हैं। तो कोई भी कार्य करते समय हमें सोचना चाहिए कि ये कार्य मेरे भक्ति में बाधा है क्या। जैसे कभी कभी हम ऐसे जगहों पे जाते हैं जो बहुत ही रजोगुणी होते हैं, तो जिसको भक्ति में ज्यादा जल्द से जल्द प्रगति करनी है ना, उनको ऐसे जगहों से कम जाना चाहिए जो रजोगुणी कहते, जैसे विवाह संस्कार होते हैं, वहां पे क्या होता है, जाना है जो भी कार्य करना है वापस आना है, क्योंकि समाज में रहना है तो हमें विवाह संस्कार में जाना पड़ता है, तो जाके वहां पे रुकना नहीं है, क्योंकि वहां पे ज्यादा पैशनेट वातावरण रहता है और ऐसी जगह पे हमारा रजोगुण ज्यादा होता है, वहां पे लोग सिर्फ दिखावा करने के लिए आते हैं और उस वातावरण में जाते तो हमें ऐसा महसूस होता है, या कोई पुलिस स्टेशन में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, कोई ऐसे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा जहां पे मतलब दो नंबर का बहुत ही व्यवसाय होता है ना, ऐसे जगह पे हम जाते हैं ना, तो वो क्या है, वो जगह हमारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं। तो क्योंकि हमारा परिवार संभालने के लिए हमें ऐसा कुछ करना पड़ता है, संस्था को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो ऐसे जगह पे मिनिमम हमारी इंद्रियों को खोल के रखते हुए जल्द से जल्द वहां पे कार्य करते हुए हमें आना है, क्योंकि वो भक्ति के लिए बिल्कुल प्रतिकूल है, क्योंकि वहां पे ज्यादा पैशन है। प्रभुपाद जी इस उपदेशामृत के शुरुआत में बताते हैं कि रजो तमोगुण से पूरा जग प्रभावित है, तो जितना हो सके हम अपनी इंद्रियों से रजो तमोगुण को स्वीकार नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि हम भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन रजो तमोगुण को अगर स्वीकार करेंगे तो फिर क्या होगा, भक्ति में स्थिरता नहीं आएगी। इसलिए कार्य करते समय ऐसा कार्य, ऐसी जगह, ऐसे विचार हमें स्वीकार नहीं करने चाहिए जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये तीसरा है। चौथा है सात्विक जीवन शैली, जिसको कहा है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। कृपा जी इस अत्याहार के कमेंट्री में पहले लाइन में ही बता रहे हैं कि डिवोटी का लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए, सादा जीवन होना चाहिए, जितना हम सादा जीवन जिएंगे उतना हम भक्ति में प्रगति करेंगे, इसको सात्विकता कहते हैं। देखो कोई बोलेगा कि ऐसा है क्या कि भक्ति में प्रगति करने के लिए सत्वगुण होना ही है, ऐसा है क्या? हाँ, 100% हमें सत्वगुण में आना ही है, इसलिए जो भक्ति के 9 स्तर बताए गए हैं इसमें से जो अनर्थ निवृत्ति है ना वो रजो तमोगुण की है, इसलिए अनर्थ यानी रजो और तमोगुण। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि जब तक सात्विकता हमारे अंदर नहीं आती तब तक हम भक्ति में स्थिर नहीं होते। अभी हमारी भक्ति ऊपर नीचे क्यों हो रही है? क्योंकि रजो और तमोगुण है, तो हमें सत्वगुण में आना ही है, उसको ही ब्राह्मण स्तर कहा जाता है। इसलिए प्रभुपाद देखो भागवत के तात्पर्य में कहते हैं कि बिना ब्राह्मण हुए बिना हम वैष्णव नहीं बन सकते। तो डिवोटी को लगता है अच्छा इसका मतलब ब्राह्मण इनिशिएशन, क्या ब्राह्मण इनिशिएशन तो अलग बात है, ये ब्राह्मण स्तर में आने के, ब्राह्मण स्तर और जो वर्णाश्रम वाला ब्राह्मण, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो वर्णाश्रम वाला ब्राह्मण और ये ब्राह्मण स्तर यानी रजो तमोगुण से ऊपर उठते हुए सात्विकता में वो डिवोटी स्थिर हुआ है, उसको ब्राह्मण स्तर कहा जाता है और उसको ही निष्ठा कहा जाता है। और निष्ठा, रुचि, आसक्ति ये पूर्ण रूप से सत्वगुण में दी गई है, इसलिए भक्त को सत्वगुण में आना ही है। जब तक वो सत्वगुण में नहीं आता है तब तक वो विशुद्ध सत्व में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए ये जो उपदेशामृत हमें बता रहा है, उपदेशामृत जो भी कुछ हमें जीवन शैली दे रहा है वो सात्विक जीवन शैली दे रहा है। इसलिए आप अपने जीवन में थोड़ा सा विचार कीजिए, थोड़ा आत्मपरीक्षण कीजिए, कैसा कौन सा कार्य, ऐसी कौन सी जगह, ऐसा कौन सा व्यवहार, ऐसा कौन सा विचार, ऐसी कौन सी इच्छा जो मेरे जीवन में है जो रजो तमोगुण से प्रभावित है, उसको हमें धीरे 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 कम करना है। अगर हम कम नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ होगी, इसलिए सात्विक जीवन शैली होना चाहिए। पांचवा है आहार। आहार में हमें सिर्फ क्या करना है, आहार में हमें सिर्फ
प्रसाद को ही स्वीकार करना है। और ये भी जो प्रसाद है वो विशेष करके घर में जो बनाया जाता है वही होना चाहिए, मंदिर में। जो देखो हमें क्या लगता है, कोई भी चीज हम लेके आएंगे और भगवान को अर्पण करेंगे वो प्रसाद बन जाएगा, ऐसा नहीं है। भगवान को अच्छी भावना से बनाए हुआ भोजन ही हम अर्पण कर सकते, तभी भगवान उसको स्वीकार करते, अन्यथा भगवान स्वीकार नहीं करते। हम कुछ भी बाहर से लाएंगे और भगवान को बोलेंगे भगवान ले लो ताकि मुझे खाना है, भगवान उसको नहीं स्वीकार करेंगे। भगवान को वो आइटम नहीं चाहिए, भगवान को भावना चाहिए। अगर अच्छे भावना से अगर हम कुछ उस आइटम को हम बनाते हैं तो भगवान स्वीकार करते, नहीं तो नहीं। इसलिए मेरा तो कहना यह है कि जिसको भक्ति में प्रगति करनी है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप इसके ऊपर विचार कर सकते हैं, ओपिनियन चेंज भी होते हैं, मतलब डिवोटी टू डिवोटी ओपिनियन जो है वो चेंज हो सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनली ओपिनियन है कि जो भी साधक है जिसको भक्ति में प्रगति करनी है, उसने रेस्टोरेंट विशेष करके गोविंदास भी नहीं, क्योंकि गोविंदास हमारे डिवोटी क्या सोचते हैं, गोविंदास किसके लिए है, गोविंदास भक्तों के लिए, गोविंदास भक्तों के लिए नहीं है। गोविंदास किसके लिए है, जो बाहर से जो अतिथि आते हैं ना जो दर्शन करने के लिए, उनको कुछ ना कुछ तो सुकृति मिले, क्योंकि वो बाहर जाके पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, वड़ा पाव खाएंगे, समोसा खाएंगे, तो वो बाहर खाएंगे, इससे अच्छा यहाँ पे उनको थोड़ा सा सुकृति देंगे, वो भगवान का दर्शन करेंगे, वो भगवान को अर्पण किया हुआ थोड़ा सा जो भी है उनके जीवा के रस को हम पूरा करेंगे। तो एक्चुअली देखा जाए तो गोविंदास रेस्टोरेंट उनके लिए है, लेकिन भक्त बोलते कि नहीं नहीं गोविंदास भक्तों के लिए है। तो गोविंदास हम किस लिए जाते हैं, एक ही कारण के लिए, अपने जीवा के आवेग को पूरा करने के लिए, इसलिए अत्याहार में फंसते। लेकिन गंभीर साधक के लिए घर में बनाया हुआ या मंदिर में बनाया हुआ, जो कुक जो उसकी भावना अच्छी है, प्रेम से बनाया हुआ जो भोजन है, उसको ही भगवान को अर्पण करना है और उसको ही स्वीकार करना है, नहीं तो नहीं। अगर हम बिना ऐसा, हमने प्रभुपाद एक कोट में लिखते हैं कि डिवोटी को ये निर्णय लेना है कि मुझे प्रसाद ही लेना है। कभी कभी डिवोटी कभी कभी बाहर जाते हुए स्वीट मार्ट से बोलते हैं, यूनियन गार्लिंग नहीं तो स्वीट मार्ट से थोड़ा सा स्वीट लेते हैं या अलग अलग कुछ खाते। तो प्रभुपाद जी उपदेशामृत के टीका में स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं कि साधक को इस जीवावेग से रेस्टोरेंट में या जहां पे जाके कुछ भी नहीं खाना चाहिए, उसको प्रेम से बनाया हुआ, अच्छी भावना से बनाया हुआ जो भी कुछ भोजन है, जो भगवान को अर्पण करके उसको स्वीकार करना है। तो इसलिए अगर अत्याहार से हमें मुक्त होना है तो हमें जो भी कुछ भोजन लेते हैं, जो भी प्रसाद आहार करते हैं, वो सिर्फ प्रसाद ही होना है, इसके अलावा दूसरा हमारे इस गले के नीचे नहीं, कोई चीज नहीं आनी चाहिए, समझ रहे हैं। तो इसलिए पांचवा है आहार ओनली प्रसाद, और छठा लास्ट का है कि जो कुछ भी मिलता है उसको भगवान की कृपा समझ के स्वीकार करना चाहिए। डिवोटी को संतुष्ट होना बहुत जरूरी, क्योंकि भौतिक चीजों में वो संतुष्ट रहेगा तभी वो आध्यात्मिक चीजों में असंतुष्ट रहेगा, हमारा उल्टा है। हम आध्यात्मिक चीजों में संतुष्ट इसलिए ज्यादा अध्यात्म करते हैं, बोलते हैं अरे इतना ही जब बोला है बस, क्योंकि संतुष्ट है, और भौतिक चीजों में हम असंतुष्ट है इसलिए ज्यादा ज्यादा करने का प्रयास करते। लेकिन नहीं, जो भी कुछ हमें हमारी जरूरत है, हमें मिल रही है, जो भी हमारे सामने जो भी कुछ हमें मिल रहा है, उसको भगवान की कृपा समझ के स्वीकार करना है और भौतिक चीजों में हमें संतुष्ट रहना है, ताकि हम अध्यात्म में समय निकालेंगे। क्योंकि संतुष्ट में क्या होता है, व्यक्ति संतुष्ट होता है बोलते हाँ अभी बस हो, लेकिन असंतुष्ट व्यक्ति मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो अध्यात्म में असंतुष्ट, भौतिकता में संतुष्ट। इसलिए छठा है जो कुछ भी मिलता है उसको भगवान की कृपा समझ के स्वीकार करना चाहिए। इसलिए ये छह चीजें हमारे डे टू डे लाइफ में होनी चाहिए। कोई भी कार्य करते समय भोग भावना रहित होना चाहिए, वह कार्य हमारी नीड होनी चाहिए, डिजायर इच्छा नहीं होनी चाहिए, वो जरूरत होनी चाहिए, और वो कार्य भक्ति के लिए प्रतिकूल नहीं होना चाहिए,
वो कार्य करेंगे तो भक्ति में हमारी प्रगति होनी चाहिए। चौथा है सात्विक जीवन शैली, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। पांचवा है आहार लेना है तो सिर्फ प्रसाद ही लेना है, प्रसाद के अलावा कुछ नहीं लेना है। और छठा है जो कुछ भी मिलता है उसको भगवान की कृपा समझ के स्वीकार करना है। अगर इन चीजों को अपने जीवन में हम स्वीकार कर रहे हैं तो हम अत्याहार के शिकार नहीं हो रहे। और इसका लाभ क्या है? इसका लाभ ये है कि हमारी जीवा, उदर और उपस्थ, इन सभी आवेगों को अपने आप हम नियंत्रण में ला सकते। देखो ये हमारे जीवन के सबसे बड़े आवेग है, जीवा, उदर, उपस्थ। इसलिए चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, जीवेर लालसा ए इति उति धाय शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। तो शिष्ण और उदर ये क्यों आते हैं? ये जीवा की लालसा से होते हैं। तो जीवा को नियंत्रण में लाया तो शिष्ण और उदर अपने आप नियंत्रण में आते। और ऐसा व्यक्ति शिष्णोदर परायण, अगर वो शिष्ण और उदर के लिए परायण है, मग्न है, कृष्ण नहीं पाए, उसके जीवन में कृष्ण कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए इस आहार को, इस अत्याहार को हमें गंभीरता से अपने जीवन में स्वीकार करना है। क्यों? अगर मेरा उद्देश्य है कि मुझे इसी जन्म में भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी, इसलिए मैंने पहले ही बताया ये इंस्ट्रक्शन, ये उपदेश बहुत ही ऐसे सुनने के लिए इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, या डाइजेस्ट करने के लिए बहुत कठिन हो रहा है, सुनने के लिए बहुत कठिन जा रहा है। लेकिन अगर ध्येय, इसलिए मैंने कल कहा कि अगर भूख लगी है, कुछ भी खाएंगे हमें वो डाइजेस्ट हो सकता है, लेकिन अगर भूख नहीं है, थोड़ा भी कुछ खाएंगे ना तो इनडाइजेशन होगा। वैसे अगर ध्येय पक्का है कि मुझे इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करनी है, अगर ये ध्येय है तो फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन पालन करने के लिए हमें कोई ज्यादा बड़ा मतलब कठिन नहीं जाएगा। लेकिन हमारा उद्देश्य ही कुछ अलग है तो फिर ये उपदेश हमारे लिए बहुत ही हेवी जाएंगे और हम बोलेंगे हमें ये नहीं करना है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारा उद्देश्य क्या है, और उद्देश्य सही है तो फिर हमें इनके ऊपर कार्य करना बहुत जरूरी। इसलिए यहाँ पे जो छह अवगुण बताए गए, इसमें से पहला है अत्याहार। इस अत्याहार को अगर हम इसका शिकार नहीं होंगे, इसको बिल्कुल युक्त प्रिंसिपल, युक्त वैराग्य के तत्व के अनुसार इसको स्वीकार करेंगे, तो निश्चित रूप से हम जीवा, उदर और उपस्थ, जो पहले श्लोक में बताए गए तीन आवेग है, इनको हम नियंत्रण में ला सकते। हरे कृष्णा। तो धन्यवाद, अभी हमने पहले अत्याहार के बारे में चर्चा की, तो अगली बार जब हम चर्चा करेंगे तब हम प्रयास के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के विषय में अगर किसी के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। एक कोई तो हरे कृष्णा प्रभु जी, आप पूछो, मैं बात पूछता हूँ। ओके प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। यस प्रभु। प्रभु जी, आपण म्हणलं होतं की म्हणजे भोग भावना रहित भक्ति केली पाहिजे। प्रभू जी, होता असं की आपण जेव्हा स्टार्टिंगला जेव्हा या गोष्टी फॉलो करतो तेव्हा खूप म्हणजे आपण उत्साह असतो, उत्साह असल्यामुळे बराच काळ जातो, उत्साहामुळे आपण त्या इंद्रियांवर नियंत्रण करू शकतो आपण। पण जसं जसं आपले म्हणजे हे उत्साह कमी होत जातो तसं तसं आपले म्हणजे परत त्या इंद्रियांवर संयम ठेवणं खूप अवघड होऊन जातं, कारण मायाचा प्रभाव इतका असतो की परत त्या इंद्रियांवर आपण संयम नाही ठेवू शकत। प्रभूजी, पेशन्स कसं ठेवलं पाहिजे? आणि आपल्याला माहिती आहे की आपलं ध्येय आहे, पण काय होतं की मायाचा प्रभाव इतका आहे की आपण सगळं विसरून जातो, तर प्रभूजी पेशन्स कसं ठेवलं पाहिजे आणि पेशन्स आणि कसं कंटिन्युटी ठेवली पाहिजे? बहुत ही सुंदर प्रश्न आहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी कुछ हमने सुना है उसको जीवन में पालन करने के लिए, ऐसे नहीं कल से हम करेंगे। तो पेशेंस ये धीरता जो है, यही तो तीसरे श्लोक में उत्साहत निश्चय धैर्य, ये धैर्य जो पेशेंस है, ये अगर हमारे अंदर नहीं रहेगा तो हम शिकार होते हैं। और हम इंद्रिय, क्योंकि
इस जगत में जो जीवात्मा आया है ना, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए आया है, दूसरा उसका कोई ये नहीं है, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए आया है। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए जो जीवात्मा आया है उसको इंद्रिय तृप्ति से रोकना ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हमें धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो लिविंग कल्चर है, हमारे जो हम देखो, हम ऐसा नहीं कि हम अकेले भक्ति करें, हम अकेले तो कभी भक्ति नहीं करेंगे। तो जो ग्रुप ऑफ द डिवोटीज, उसको हम लिविंग कल्चर कहते हैं। अगर हमें कोई भी चीज हासिल करना है तो हमें एक फेवरेबल अनुकूल एक जीवन शैली का स्वीकार करना बहुत जरूरी है। इसलिए शुरुआत में इंद्रियों के ऊपर निग्रह करना है तो हमें धीरे 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 उनके ऊपर प्रयास करना है, धीरे 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 हम उनके ऊपर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। अगर हम अनुकूल जीवन शैली स्वीकार कर रहे हैं, जैसे अगर हम रजो और तमोगुण में है तो ज्यादा हम इंद्रियों के ऊपर निग्रह नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सात्विक जीवन शैली को स्वीकार करना है। जैसे आहार में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे इंद्रियों को निग्रह करना है, तो हमें सात्विक आहार को धीरे 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 चालू करना है। जैसे हम ज्यादा तीखा खाते तो थोड़ा कम, ऐसा कम करते 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 आना, एकदम हमें कम नहीं करना। ज्यादा हमें जैसे होते ना कि खारा, टेस्टी, सॉल्टी, जितना हम सॉल्टी खाएंगे ना उतना हमारी काम भावना बढ़ती है, जितना हम तीखा खाएंगे इतना हमारा क्रोध बढ़ता है, जितना ज्यादा स्वीट खाने का प्रयास करेंगे उतना हमारा लोभ बढ़ता है। तो आहार ही सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए हम एकदम हमें कम नहीं करना है, अचानक हमें कम नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। और मैंने कल कहा था कि हमारी जो जो दुर्बलता है उसको भगवान श्री नित्यानंद प्रभु के सामने हमें रोज प्रकट करना है, क्योंकि जितना हद तक हम खुद को निसाय है, असहाय समझेंगे, हेल्पलेस समझेंगे, प्रार्थना करेंगे और यहां से हमें प्रयास करना है। तो शुरुआत में क्या है, इंद्रिय निग्रह को करने के लिए हमें धीरे धीरे प्रयास करना बहुत जरूरी है। ये अपने आप नहीं आएगा, भगवान हमें कृपा दे देंगे और हमें इंद्रियों को निग्रह करेंगे, ऐसा नहीं आएगा। इसलिए हमारा ना गुह्यम आख्यति पृच्छति होना बहुत जरूरी है। आज मैं क्यों इंद्रिय निग्रह नहीं कर सका, तो आपका कोई मित्र होना चाहिए, उस मित्र के साथ आपकी वार्ता होनी चाहिए, वार्तालाप होना चाहिए कि आज मैं कैसे शिकार हो गया, मुझे नहीं करना चाहिए लेकिन मैं शिकार हो गया, तो मित्र आपको समझाएगा अगली बार ऐसा करो। ये जो इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, जो हम फिजिक्स या मैथ्स में हमने सीखा था कि ट्रायल एंड एरर, तो यहां भी होता है। ऐसे नहीं कि शुरुआत के दिन से हम इंद्रिय निग्रह करें, हम गोस्वामी नहीं है, हम तो गोदासी है, लेकिन हमें शुरुआत करनी। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कोई एक अच्छा मार्गदर्शक होना चाहिए और जो आपके लेवल का ही होना चाहिए, आपका भी कोई मित्र होना चाहिए जो गंभीर है भक्ति में, उसको भी भक्ति करनी, आपको भी भक्ति करनी, उनके साथ आपका हमेशा गुह्यम आख्यति पृच्छति होना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि आज मैं कैसे फंस गया, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मैं क्या करूं बताओ, तो वो आपको थोड़ा टिप्स देगा, शास्त्र से आप कोई श्रवण करोगे फिर आपको वो पालन करना पड़ेगा। तो इसको धीरे 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 करते 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 जाना है, और जब हम धीरे 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 करते करते जाएंगे ना, एक ना एक दिन, क्योंकि हम भगवान को कंटिन्यूसली प्रार्थना भी कर रहे, कोई भी चीज करते समय प्रार्थना भी कर रहे कि भगवान हम दुर्बल है, हमारा मनोबल कम है, हमें शक्ति देना, और यहां से हम प्रयास भी कर रहे। तो प्रार्थना और हमारी प्रयास, ये दोनों जब एकत्रित आएंगे तभी हम इंद्रिय को पर निग्रह करेंगे, क्योंकि धैर्य हमें तभी आएगा जब हमारी सात्विकता बढ़ेगी, क्योंकि गुण जो आते हैं वो सात्विकता के लक्षण है। जो गुण जो हमारे अंदर रहते हैं ना, निश्चय है, उत्साह है, धैर्य है, ये सत्वगुण के गुण है। तो सत्वगुण जब बढ़ेगा तो ये आएंगे, लेकिन सत्वगुण बढ़ाने के लिए अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे और हम सिर्फ बोलेंगे कि अरे हम तो हतबल है, और सिर्फ हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो नहीं चलेगा। प्रार्थना भी करनी है और सात्विक आहार, सात्विक जीवन शैली को स्वीकार करना है। इसलिए आप क्या कीजिए, आप अपने जीवन में कहाँ कहाँ पे आपको समस्या आती है वो एक जगह पे राइट डाउन कीजिए, एक लिखिए, और उसका सॉल्यूशन आपके मित्र के साथ, आपका या कोई आपका काउंसलर हो उनके साथ, जो भी मार्गदर्शक उनके साथ बैठ के आप चर्चा कीजिए कि इसमें मेरा ये हो रहा है, वो हो रहा है,
फिर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है उसको अप्लाई करके देखिए। तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, इसमें धीरे धीरे हमें प्रयास करना है। तो प्रार्थना और प्रयास ये दोनों को एक साथ चलते 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 आगे जाना है। प्रभुपाद कहते हैं छोटा बच्चा जब चलने सीखता है ना तो गिरता है, फिर वो उठता है, फिर चलने का प्रयास करता है, फिर वो गिरता है। तो ऐसा हमें होगा, ऐसा नहीं कि आज हमने सुना है तो कल से हम इंद्रिय निग्रह करेंगे, नहीं, हम शिकार भी हो जाएंगे, होने दो, लेकिन हमें पता चल रहा है कि मैं इंद्रियों का शिकार हो रहा हूं। पहले तो पता होना बहुत जरूरी है कि मैं इंद्रियों का शिकार हो रहा हूं, फिर हम धीरे धीरे उसमें प्रयास करेंगे। नित्यानंद प्रभु को जितना इंटेंसली आप प्रार्थना करोगे उतना उनकी ज्यादा हमें कृपा मिलेगी, क्योंकि बिना निताय, उनके बिना साधक का जीवन बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करना बहुत जरूरी है और प्रयास करना जरूरी है। तो आपकी जो भी कुछ समस्या है ना, वो एक पेपर के ऊपर लिखिए कि ये बहुत जरूरी है। हमें अगर भक्ति में प्रगति करना है तो हमें हमारा जो भी कुछ प्रयास है ना उसको पेपर, जो भी प्रॉब्लम्स है पेपर के ऊपर लिखना है और उसको मार्गदर्शक के सामने बैठ के गुह्य माक्यति पृच्छति करते हुए उसका सॉल्यूशन निकालना है। ये और दूसरा कंटिन्यूअसली प्रे टू नित्यानंद प्रभु। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। यस प्रभु, थैंक यू। और महेंद्र प्रभु आपका कुछ तो क्वेश्चन था। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु, आपने तो बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स दिए, बहुत प्रैक्टिकल, मतलब मुझे उससे बहुत हेल्प होने वाला है, थैंक यू उसके लिए, तो बहुत अच्छा क्लास दिया। और प्रभु जी सबसे पहले तो शुरुआत तो शरणागति से करेंगे हम, अनुकूल से संकल्प, लेकिन शरणागति में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन था कि दो दो चीजें हम बोल सकते हैं, एक तो कृष्ण मैं आपका हूँ। आपका एयरफोन में कुछ तो समस्या है महेंद्र प्रभु, आपके एयरफोन में कुछ तो समस्या है, आपका आवाज थोड़ा ये आ रहा है। आपने बहुत प्रैक्टिकल टिप्स दिए छे और उसका बहुत फायदा होगा उसके लिए। और क्वेश्चन ये था, शुरुआत तो हम शरणागति से करेंगे, लेकिन शरणागति में हम अगर प्रैक्टिकली सोच रहे तो हमको मतलब ज्यादा एनर्जेटिक या ज्यादा शरणागति वाला कौन सा चीज होगा। मेरा तो कंफ्यूजन था इसमें कि मैं बोल सकता हूँ भगवान को हे कृष्ण मैं आपका हूँ, या फिर मैं मुझे ऐसा कि हे कृष्ण आप मेरे हैं, तो ये से मुझे कौन से कनेक्शन में रहना ज्यादा अच्छा है। देखो हरेक का भगवान के साथ रिश्ता बनाने का मतलब कहाँ पे हम भगवान के साथ संबंध अच्छा बना सकते, वो किसी को लगेगा कि भगवान मेरे हैं उसको अच्छा लगेगा, या किसी को लगेगा मैं भगवान का हूं वो अच्छा लगेगा। हमें देखना है कि किससे मेरा और भगवान का जो संबंध है वो बिल्कुल एकदम घनिष्ठ बन सकता है, तो उसको स्वीकार करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे यशोदा माँ बोलती कृष्ण मेरे हैं, क्योंकि मेरा यानी क्या है कि हम उनको ज्यादा महत्व देते हैं। तो जब हम मेरा कहते हैं, जैसे नहीं तो हम कृष्ण को हमारा नहीं कहेंगे तो हम किसी दूसरे चीज को मेरा कहेंगे। इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि मतलब मेरा मनोभाव क्या है कि जब मैं ये सोचता हूँ कि कृष्ण मेरे हैं तो फिर मेरा ज्यादा संबंध उनसे बनता है। लेकिन किसी का और रहेगा कि वो बोलते कि मैं कृष्ण का हूं तो उनका ज्यादा संबंध बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज से मेरा भगवान के साथ संबंध बनता है उसको स्वीकार करना, यह है। ठीक है प्रभु, इंपॉर्टेंट है भगवान के साथ संबंध प्रस्थापित करना, इंपॉर्टेंट नहीं कि कृष्ण मेरे है या मैं कृष्ण का हूं, इंपॉर्टेंट है कृष्ण का संबंध बनाना। तो जिससे दृढ़ संबंध होता है उसको स्वीकार करो। ठीक है प्रभु, थैंक यू। ओके यस, और किसी का कोई प्रश्न है? ओके ठीक है, तो फिर हम अगले बार मिलेंगे और जो आगे का जो है प्रयास इसकी हम चर्चा करेंगे। तो जो कुछ भी हमने टिप्स दिए है उसको ध्यान से उसके ऊपर विचार कीजिए,
क्योंकि अगर जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है तो हमें इस गाइडलाइन के अनुसार हमें जीवन जीना बहुत जरूरी है, और अगर नहीं जिएंगे तो भक्ति में भक्ति में ठाकुर रहते कि हमारी भक्ति का विनाश हो सकता, तो इसलिए इसको गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की, जय श्री भक्तिनोद ठाकुर की, जय श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की।